A very sweet, very fresh, very warm good morning to all of you. Nice to meet you once again through online study. How are you? I hope you all are safe and secure. With this good expectation, I am going to start our new chapter. But before starting our new chapter, let me remind you what we have learned in first chapter. हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, मैं आपको एक बार याद करा देती हूँ. वी हैव लर्न कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. एज यू नो, हमने लास्ट वीडियो में बताया था नाउन हैज टू पार्ट्स, कॉमन एंड प्रॉपर. कॉमन नाउन वो होता है जो हम कॉमनली बुलाते हैं. जनरली हम किसी भी वर्ड्स को जनरली बुलाते हैं. जैसे टीचर्स, पीपल्स, कंट्रीज, सिटीज, एनिमल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इस टाइप के वर्ड्स को कॉमन नाउन बोलते हैं. उसी में से किसी एक वर्ड अगर हम बुलाते हैं, फ्लावर्स में जैसे लोटस, लिली, वो हो गया प्रॉपर नाउन. ठीक है, बुक्स में इंग्लिश बुक, मैथ्स बुक, वो हो गया प्रॉपर नाउन. समझ में आ रही है? इसी तरीके से पर्टिकुलरली किसी चीज को जब हम बुलाते हैं तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. और ये हमने आपको करवा ही दिया था आंसर क्वेश्चन के साथ, आंसर भी मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था अच्छी तरीके से. तो ये सब में आपको ज्यादा परेशानी, चैप्टर वन में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये सब हमने पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, चैप्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, अनटचेबल, बट वी कैन फील, हम फील कर सकते हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं. जैसे योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, लिटिल बेबी स्माइल, छोटे बच्चे की मुस्कान, आपकी भावना, हमारी सोच, किसी का बिहेवियर, किसी का नेचर, ये सारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसे हम टच नहीं कर सकते. आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, क्या हम आपकी स्माइल को टच कर सकते हैं? नो, ओनली वी कैन फील और वी कैन सी, सिर्फ हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं. ठीक है, आपकी भावनाओं को या फ्लावर के खुशबू को, किसी भी फूलों की खुशबू को क्या हम टच कर सकते हैं? नहीं, ओनली वी कैन फील और वी कैन रियलाइज और वी कैन स्मेल. ठीक है, इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली रियलाइज कर सकते, ओनली फील कर सकते, ओनली हम उसे महसूस कर सकते हैं, रियलाइज, उस टाइप के वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. वंस अगेन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम फील सिर्फ कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं. जैसे नाउन कैन बी नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. दीज आर नाउन्स डेट कैन बी सी फिजिकली. ठीक है, दे आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन. नाउ कॉन्क्रीट नाउन में हम आते हैं, कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जो हम फील कर सकते हैं, साथ साथ टच कर सकते हैं. जैसे बच्चा बहुत सुंदर है, उस बच्चे को तो हम टच कर ही सकते हैं. बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो उस इंटेलिजेंसी को हम टच नहीं करते, तो इंटेलिजेंसी हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेकिन बच्चा अगर सुंदर है तो उसकी खूबसूरती को तो हम टच कर सकते हैं, बच्चे को तो हम टच कर सकते हैं. जो भी नाउन जो टचेबल होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन. ओके, वंस अगेन गाइज, इफ यू हैव बुक देन प्लीज लुक एट योर बुक, इफ यू डोंट देन प्लीज टेक आउट योर कॉपी. अगर आपके पास बुक, आपने बुक खरीद ली है और अगर आपके पास बुक है तो प्लीज आप बुक खोलिए, पेज नंबर 7 चैप्टर 2. और नहीं है जिनके पास, वो प्लीज रफ कॉपी लेके बैठेंगे ताकि आपको जो परेशानी हो रही है वो आप नोट करते जाओ और जो समझ में आ सकती है कॉपी में भी आप उतार सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. नाउन कैन बी नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. दीज आर नाउन्स डेट कैन बी सीन फिजिकली. ठीक है, जो फिजिकली दिख रहा है हमें उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, पुलिसमैन, थिएटर, कंगारू, बेंच, आपके स्कूल में बेंच होते हैं उसे आप देख सकते हो, चौक को आप देख सकते हो, तो ये सब को कॉन्क्रीट नाउन. जो चीज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. ठीक है, देखिए, नाउन कैन ऑल्सो रिफर्स टू रिलेशनशिप, क्वालिटीज, आइडियाज, थ्योरीज, फीलिंग्स, स्टेट्स ऑफ बींग एक्सेट्रा. सच नाउन आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. किसी गुण, किसी के अवगुण, किसी की अच्छी बातें, किसी की बुरी बातें, किसी दिमाग में कौन सी बातें चल रही, किसी का आइडिया, किसी का फिलोसफी, किसी का थ्योरीज, किसी की बुद्धिमानी, ये सारी बातें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं,
उसे हम टच नहीं कर सकते, तो उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। वंस अगेन आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना हम छू सकते हैं, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं ले सकते और उसके टेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। एग्जाम्पल हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी, ब्रेवरी को भी हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्यूटी, खूबसूरती, खूबसूरती को भी हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पेन, दर्द, दर्द, दुख, उसे भी हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और लक, किस्मत, उसे भी हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये सारे वर्ड हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, नाउन फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स और वर्ड्स आर ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल ब्रेव, ब्रेवरी, आपको पता होगा बच्चा, मैंने आपको क्लास 3 में बताया है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो भी वर्ड्स आते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन ही होती है, वो तो एक तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड ही हुई, एक तरह से वो एडजेक्टिव ही हुआ। जैसे आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धि, आपकी तेज बुद्धि, क्या उसे हम टच कर सकते नहीं, लेकिन हम उसे रियलाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो एडजेक्टिव हुआ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वो एडजेक्टिव हुआ, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव वर्ड हुआ। तो वही बताएंगे जितने भी एडजेक्टिव वर्ड हुए वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे साइलेंट, साइलेंस, ब्रेव, ब्रेवरी, दीज कैन sometimes be made by adding ity and needless enc and tion at the end, इस टाइप के वर्ड्स लास्ट में ity, needless, enc और tion पे एंड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, रेयर, रेयरिटी, हैप्पी, हैप्पीनेस, डिफरेंट, डिफरेंस, कलेक्ट, कलेक्शन, इस टाइप के वर्ड्स हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ गाइस यहाँ ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज, राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स एज ए कॉन्सेप्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो कॉन्सेप्ट नाउन है उसके आगे सी लिखेगा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके आगे ए लिखेगा, ए एन लिखेगा, यहाँ सी एन, यहाँ एन। जैसे माई मॉम इज गोइंग टू विजिट द डेंटिस्ट टूडे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एन, कॉन्क्रेट नाउन, क्योंकि डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यानी कि डॉक्टर, जो दांत का डॉक्टर होता है उसे डेंटिस्ट कहते हैं, तो उसे तो हम देख सकते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं, तो उसे वो हो गया कॉन्क्रेट नाउन। समझ में आ रही है। वंस अगेन आई रिपीट यू गाइज, वॉट इज कॉन्क्रेट नाउन एंड वॉट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। मैं बहुत डरी हुई हूँ, डर, डर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डर को मैं टच, आप टच नहीं कर सकते, मैं टच नहीं कर सकती, मैं सिर्फ महसूस कर सकती, फील कर सकती हूँ। लेकिन कॉन्क्रेट नाउन, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंसी को भी मैं टच नहीं कर सकती, सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। लेकिन कॉन्क्रेट नाउन क्या हो गया, वो बच्चा वहां खड़ा है तो उस बच्चे को मैं देख रही हूँ, मैडम आ रही है तो मैडम को मैं देख रही हूँ। तो इस टाइप के वर्ड्स जो कि नाउन होते हैं उसे हम कॉन्क्रेट नाउन होते हैं, और जो जिस टाइप एडजेक्टिव वर्ड जो भी होते हैं, क्वालिटी, डिसक्वालिटी, वो सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, कॉन्क्रेट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दिस इज योर होमवर्क गाइज, या जिस मैंने आपको नंबर वन बता दिया, माय मॉम इज गोइंग टू विजिट द डेंटिस्ट टुडे, डेंटिस्ट हो गया डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर, तो उसे हम टच कर सकते हैं, तो वो हो गया कॉन्क्रीट नाउन, सी एन लिखिएगा यहाँ पे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या हो गया, ईमानदारी, ईमानदारी को हम टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे ए भी लिख लीजिएगा। वंस अगेन आई रिपीट, जिस चीज को हम टच करेंगे, टच छू सकते हैं, जिस चीज को हम छू सकते हैं उसे हम कॉन्क्रेट नाउन कहते हैं, जिसे हम नहीं छू सकते हैं, सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो डेंटिस्ट को हम टच कर सकते हैं, तो डेंटिस्ट हो गया आपका कॉन्क्रेट नाउन, सी एन। लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम टच नहीं कर सकते, तो ऑनेस्टी हो गया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए एन लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह करते तो आप नंबर जे तक लिखिए, अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने आंसर कर लिखी, कल मैं इसके आंसर के साथ रहूंगी, और अगर आपने आंसर लिख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ में आई तो अपने कमेंट्स जो है, अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा, और कोई परेशानी हो प्लीज आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जोड़ दे दीजिएगा, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ओके, अनलेस एंड अंटिल, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।